दमन एवं दानह की कार्यकारिणी समिति की बैठक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की मौजूदगी में हुई। दमन जिले के कड़ैया मंडल में भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली और दमन प्रदेश की कार्यकारी समिति की बैठक हुई। मायावंशी समाज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने विशेष उपस्थिति दी थी। उपस्थित अन्य प्रमुख व्यक्तियों में राज्य प्रभारी दुष्यंत पटेल, प्रदेश प्रमुख दीपेश टंडेल, दादरा नगर हवेली भाजपा के सांसद कलाबेन डेलकर, डीएमसी प्रमुख एसपी दमनिया शामिल थे। कार्यकारी समिति की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई और आभार प्रस्ताव पास किया गया था। आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में जम्मू के कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के 5 बहादुर शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पण की गई थी। आज दादरा नगर हवेली दमन दीव भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष कार्य समिति बैठक थी। इस बैठक को मार्गदर्शन देने हेतु हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी उपस्थित रहे। इस बैठक में हमने पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह इस राष्ट्र का निर्माण हुआ, इस राष्ट्र की सुरक्षा बढ़ी और इस राष्ट्र की गति बढ़ी, इस विषय को ध्यान में रखते हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। 17-2 में यानी चाय के पश्चात हमने इस प्रदेश में जो विशिष्ट कार्य हुए हैं, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, टूरिज्म का क्षेत्र, पर्यावरण का क्षेत्र, ये सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा की और आने वाले दिनों में जो और भी विशेष कार्य हो सकते हैं ऐसे सुझाव भी कार्यकर्ताओं के लिए। और आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने हमें जो आने वाले नगर पालिका और जिला पंचायत के स्थानीय स्वराज के चुनाव है वो चुनाव जीतने के कुछ गुरु मंत्र भी दिए हैं। यह हमारे लिए एक नई सीखने लायक बात थी। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया है कि जो आने वाले चुनाव है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी। धन्यवाद।